नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है बोरीवली से, जहां बोरीवली की रेलवे जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी के पास से गन और 14 जिंदा कारतूस बरामद की है। दरअसल ये आरोपी खुद को मॉडल बताता है और कुछ सीरियल में काम भी कर चुका है। मूल रूप से बिहार से रहने वाला आरोपी जब रेलवे में से रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था, पुलिस को कुछ उसके ऊपर शक हुआ और पुलिस ने उसकी तलाशी ली, तो उसकी तलाशी में एक बैग था उसके पास। बैग में उसने बताया कि कपड़े हैं, लेकिन पुलिस ने उसके जब पूरी तरह से खंगाला तो उसमें एक गन और 14 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने जब उस आरोपी को इस गन और कारतूस के लाइसेंस के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। तब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और आगे की कार्यवाही पुलिस ने की। इस मामले पर जीआरपी पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। 15 अगस्त जो आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, उस हिसाब से जो कुछ इनपुट्स मिले हैं उस हिसाब से बोरीवली रेलवे स्टेशन में घापा चेकिंग चल रहा था, तो उसमें कल दोपहर को 4 बजे के दरम्यान एक प्रवासी जो संशयित्या मिलने वाला त्याच्याने एक बॅग होती, तो जहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रहा थी वहां पे संशयास्पद स्थिति में था, तो उसको चेकिंग करने वाली पुलिस ने बुलाया, लगभग चेकिंग करने वाली स्क्वाड ने उसको बुलाया, उसको चेक करने लगे तो वो जरा पुरोहित को उत्तर दे रहा था, तो उसको लेके पुलिस स्टेशन में आ गए। उसका बैग कैमरे के अंदर और पंचों के सामने आ गए, बैग खोला चेक किया तो उसमें एक ऑटोमेटिक पिस्टल और 14 कारतूस राउंड मिले, तो इस हिसाब से उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, तो क्यों लेके आया, कहाँ से लेके आया, इसकी तफ्तीश करने के लिए बोरीवली जीआरपी ने उसके खिलाफ हथियार अधिनियम के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी तफ्तीश चल रही है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी का बैकग्राउंड तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक तो कोई सामने आया नहीं है। वो इधर मॉडलिंग, स्ट्रगलर मॉडलिंग भी कर रहा है, वो मॉडलिंग के लिए इधर अपना अंधेरी में रहता था, अंधेरी में काम कर रहा है, वो उसके दो दोस्तों के साथ रहता था, अभी वो मेरा रोड में रहता है ऐसा वो बोल रहा है। तो उनका रहने वाला बिहार का है, तो इधर अभी मॉडलिंग करने के लिए आया है वो। तो उसने बताया नहीं, उसने बताया कि सिर्फ उसने शॉप के लिए उसने लिया है, लेकिन इसका तफ्तीश अभी चालू है, उसका पुलिस रिमांड लिया है 2 दिन का और उसमें कर रहे, तपास कर रहे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।